नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज बहुत दिनों के बाद ये मिले, कुछ को जानते हैं इनसे कि अभी तक ये सबसे अधिक सैलरी वाला रेलवे एम्प्लॉय किसको देखे हैं और क्या लगता है इनको कि सबसे अधिक, क्योंकि हम ना डाटा देखे हैं, हम चौक गए वो, ठीक है ना। तो इनको आज हम बताते हैं। अच्छा, आप बताइए कि जो जैसे ग्रुप डी, ग्रुप सी, ग्रुप ए और बी का छोड़ दीजिए, ग्रुप सी और ग्रुप डी में सबसे ज्यादा सैलरी किसका, हाँ अभी तक किसका देखे हैं आप? अभी तक हम सुनते थे ऐसे नौकरी से पहले कि सबसे ज्यादा जो है गार्ड ड्राइवर का सैलरी होता है, जैसा सुनने में आता था। लेकिन जब जॉब किए तो मालूम हुआ, मेरा दोस्त का एक एसी स्टाफ में है तो उससे बात होता है तो हमसे उसका सैलरी ज्यादा आता है। अच्छा, मान लीजिए 10,000-5,000 उसका हमेशा रहता है ज्यादा। अच्छा, और उससे भी ज्यादा उसका दोस्त लोग को रहता है। उसका मान लीजिए जो भी 70-80 आया, उसका दोस्त का 1,00,000-1,10,000 रहेगा, क्योंकि वो गाड़ी कम जाता है, वो पढ़ रहा है अभी। अच्छा अच्छा नहीं तो उसका पोस्ट कौन सा है जिसका अधिक सैलरी? वो अधिक है, वो MCM आता है, वो टेक से टेक वन में आता है, उसको MCM बोलते हैं। तो टेक्नीशियन के थ्रू ज्वाइन करते हैं। हाँ, उसी टेक्नीशियन में, जैसे कोई ऐसा थीम हुआ सेट में होता है किसी किसी का। हाँ हाँ, वो AC का पोस्ट रहता है कि स्पेशल AC & TL। अच्छा अच्छा, TL हो गया, उसमें जो स्लीपर में नहीं रहते देखते हैं, जो लाइट वाइट खराब हो गया वो देखता है, वो हो गया TL। और जो AC में जो रहता है, वो AC कम करना ज्यादा करना, वो AC स्टाफ उसका उतना सैलरी होता है। हाँ, उसका जो कम ज्यादा कर रहा है ना, कुछ प्रॉब्लम हुआ, उसको कंप्लेन आया, उसको देखना उसका जो गड़िया देता है कि कम करो नहीं नहीं गड़िया तो प्राइवेट वाला गड़िया देता है, ये सब वो गड़ियाएगा तो कंट्रोलर को मैसेज कर देगा। अच्छा अच्छा, तो उसी का इतना रहता है। जो टेक वन सैलरी जो कम अधिक करता है, टेक वन जो MCM रहता है ना, जो अपना पावर कार में बैठे रहता है, देखते होंगे आराम से बैठे हुए, उसका लगभग 3,00,000 रहता है, 2,80,000-3,00,000। और जो टेक टू रहता है, टेक टू का लगभग 2,00,000 के लगभग में रहता है। और जो उसका असिस्टेंट रहता है, जो ग्रुप डी के थ्रू जाता है असिस्टेंट में, उसका भी 1,00,000 रहता है, 1,16,000, 1,00,000। हम लोग से ज्यादा रहता है, लेकिन हमको पता था गार्ड का सबसे ज्यादा रहता है, गार्ड और हम बता रहे हैं। हम जो डाटा देखे, जुलाई में जो मैक्सिमम डाटा मतलब होता है ना, टॉप 50 एम्प्लॉय हु गॉट मैक्सिमम सैलरी, तो अपने डिवीजन का हम बात कर रहे हैं, पूरा दुनिया का मतलब पूरा देश का नहीं कर रहे हैं, उसमें सबसे अधिक था गुड्स गार्ड का। अरे, जो पैसेंजर गाड़ी, मेल पैसेंजर का था गुड्स गार्ड, उसका सैलरी था 4,76,000। सही में था, बहुत ज्यादा था ये तो, समझ रहे, 4,76,000 एक महीने का। AC स्टाफ का रिकॉर्ड तोड़ रहा है सबका भाई, गैजेटेड रैंक का जो ऑफिसर है सबका रिकॉर्ड टूट गया है यहाँ पे। बाप रे बाप। अब देखिए यहाँ पे एक चीज हो सकता है कि उसका पुराना सैलरी कुछ पेंडिंग, हाँ कुछ होगा, हमको लगता है OT पेंडिंग होगा, वो आ गया होगा उस मंथ में, कुछ पेंडिंग बेसिक भी तगड़ा होगा, रिटायरमेंट नजदीक हो सकता है। दूसरे नंबर पे था वो लोको पायलट था। अच्छा, उसका सैलरी 3,70,000 से ऊपर था। हमको लगता है इसमें OT का कुछ खेला होगा, ओवर टाइम या कुछ होगा इधर उधर, पैसा पहले का बाकी नहीं, बहुत हुआ भाई, मतलब समझ रहे हैं, 4,50,000 मतलब उम्मीद है कि 4,00,000 हमको मिलेगा भविष्य। हाँ, हाँ, हाँ। मतलब ये देख के ना थोड़ा मोटिवेशन टाइप का आ गया कि भाई अगर पैसा कमाना है, लोग कह देता है ना कि सरकारी नौकरी में पैसा नहीं है, मतलब आप गलत जगह पे हो। इसका मतलब जो कह रहे हैं ना सरकारी नौकरी में है लेकिन पैसा नहीं है, तो आप सबका डाटा देख रहे हैं किसको कितना मिल रहा है। डाटा तो मेरे पास बहुत रहता है, लेकिन है तो कुछ बोल नहीं सकते हैं, लेकिन है क्या। हाँ, लेकिन सैलरी अब देख लिया, हाईएस्ट इतना मिल रहा है। हाँ हाँ, सैलरी भाई, सैलरी मोटिवेशन देता है, जो लोग देख रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे, आप समझ रहे हो, भले ही लोग कह देता है बिजनेस कर लेंगे, ये कर लेंगे, सब कुछ है, लेकिन बिजनेस जॉब में ये है कि बिजनेस चल गया बहुत अच्छा है, नौकरी उसके सामने कुछ नहीं है। हाँ, और नौकरी है कि चला या नहीं चला, इसका जो है ना, नहीं तो भूखा मरने देगा, नहीं तो बहुत होने भी नहीं देगा, ये चलते रहेगा, नौकरी ही है। ये फोटो बहुत वायरल होते रहता है कि सरकारी नौकरी में ना भूखा मरने देगा ना ही जीने देगा, ऐसा शौक पूरा करना, शौक होगा, चलेगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब बिजनेस में क्या है, तो चल गया तो बहुत अच्छा है, नहीं चला तो यहाँ हम तुलना नहीं कर रहे हैं बिजनेस और सरकारी नौकरी का, क्योंकि जो लोग बिजनेस के लिए अप्लीकेबल होते हैं उनका बच्चा सरकारी नौकरी का तैयारी नहीं करता है। सरकारी नौकरी का तैयारी गरीब परिवार का ही बच्चा करता है, तो वो बिजनेस कर पाएगा लेकिन बहुत बड़ा नहीं कर पाएगा, लेकिन एक दो कर पाएगा। जॉब लगने के बाद सबके मत हम चलता है बिजनेस करें, हम मेरा भी चल रहा है, तो जब पैसा आ जाता है तब लगता है बिजनेस, ये नौकरी में इतना प्रॉब्लम है। लेकिन अच्छा चीज सोचिए, जब आपको नौकरी नहीं था तो आपका इनकम कितना था? कुछ नहीं था। कैसे कर ले? उस समय सोच रहे थे कि बिना पैसा का तो बिजनेस हो नहीं सकता, अब पैसा हुआ अब लगता है बिजनेस अच्छा है, लेकिन उस टाइम बिजनेस अच्छा मेरे लिए नहीं था। आदमी नौकरी होने के बाद बुराई करना शुरू कर देता है बहुत कुछ का, कि ये कर लेते वो कर लेते, ये होता ही है। उस समय सोचिए, मेरे गांव में एक बिजनेस कर रहा था, वो बताया एक बार गए थे घर, बोला कि कुछ भी कर लेना, 12,000 का प्राइवेट जॉब कर लो, लेकिन बिजनेस नहीं करना, क्योंकि कंटिन्यू उसको घाटा ही घाटा है। हाँ, सब टाइप का होता है। देखिए आदमी हर एक जगह क्या होता है, अभी शेयर मार्केट में जो टॉप पे 10-15 लोग हैं उसको तुलना करके उसमें घुस जाते हैं, जैसे यूट्यूब है तो 20-25 लोग जो है टॉप पे उसको देख के घुस जाते हैं उसमें। बिजनेस में भी वही है, 10 को आदमी है उसको देख के घुस जाते हैं। सरकारी नौकरी में भी एगो को नौकरी लग गया,
50 घुस गया सरकारी नौकरी का तैयारी करने के लिए। भाई आप में अगर टैलेंट है अंदर से, चाहे यूट्यूब का हो, बिजनेस का हो, या जिस भी चीज़ का हो, या नेता बनने का हो, तो आप सबसे अच्छा नेता बनिए, टेंशन फ्री है। आप अपना बताइए, आपका डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा सैलरी कितना आ रहा है? हमारे में नहीं, ऐसा 1.5-2 लाख तक, 1.5-2 लाख हम लोग कुछ एक्स्ट्रा नहीं ना है बस। हाँ हाँ, लेकिन आराम के साथ 1.5 लाख आ रहा है, कम आराम आराम खुली मिलता है, आराम नहीं कर सकते। आज संडे को आज बताइए अब क्या ड्यूटी है, संडे को तो लीव होगा ना, और सैटरडे को हाफ ड्यूटी करके आ जाओ जी आराम से। अच्छा क्या हम तुलना, अच्छा एक चीज बताइए, कोई भी ऑफिशियल स्टाफ होगा अगर ग्रेजुएटेड रैंक पे नहीं है, उसका मैक्सिमम सैलरी जाएगा 2 लाख के आसपास, उससे अधिक नहीं जाएगा। हाँ कुछ अगर कहीं बाहर चला गया आउट स्टेशन, रेयरली कभी कभी होता है, तो जा सकता है 2 लाख 2.25 लाख जाएगा। लेकिन गुड्स गार्ड का मैक्सिमम सैलरी बताएं हम 4,76,000 जो कि हम देखे हैं, ठीक ना? अगर हम अभी तक हम देखे नहीं है, अगर हम पूरा दिखा देंगे आपको, पूरा जोन का अगर हम देखेंगे तो वो बहुत अधिक होगा, क्योंकि हम डिवीजन का बात कर रहे हैं, डिवीजन छोटा होता है, बहुत बुरा नहीं होता है, तो उसका इतना सैलरी है। उसमें ग्रेजुएटेड रैंक का हटा दिया था, हालांकि हाँ नीचे कुछ कुछ था ग्रेजुएटेड रैंक, लेकिन जैसे DRM ये सब रैंक का उसमें सैलरी नहीं दिया गया था, तो उसमें तुलना ही नहीं है। चलिए हाँ ये बात है, थोड़ा रनिंग का होता है, OT कम करना पड़ता है जैसे तैसे, रनिंग स्टाफ का तो पैसा है, ये बात है। रनिंग स्टाफ में जो है AC भी स्टाफ भी आ जाता है, उसका भी तो एक तरह से रनिंग स्टाफ भी है। दूसरे जगह जा रहा है वो रनिंग स्टाफ, रनिंग स्टाफ। हम लोगों का कभी कभी क्या होता है, जैसे कुछ फाइल लेके जाना है, जैसे मान लो हम कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो उसका जो टेंडर कमिटी प्रोसीडिंग होता है कि हम कुछ धांधली नहीं किए हैं, सब आदमी मिल के करेगा, तो DFM के पास जाते हैं, तो वो फाइल लेके हम जाएंगे, तो एक दिन का जो एक्स्ट्रा पैसा होता है वो बनेगा। 10 दिन जाएंगे महीने में, मान लीजिए 15 दिन चले जाएंगे, 15,000 रुपया बनेगा, वो तो देखते हो उतना हो जाएगा, उससे अधिक क्या हो जाएगा। 30 दिन में 30 दिन तो रेयरली होता है, कि जैसे एक बार हमको हुआ था, एक कोई कॉन्ट्रैक्ट था, तो उसमें कॉन्ट्रैक्टर असली है कि नहीं है वो पता करने हमको जाना था दूसरे जगह मदुरई, तो सर बोल रहे थे जाओगे तुम, तो हम बोले नहीं, क्योंकि उधर लैंग्वेज भी दिक्कत है, फिर होटल में रहो, बाहर खाना खाओ, उतना ही हो जाएगा। हेल्थ भी ठीक नहीं था, क्योंकि अगर आपको घूमने का मन है तो आप चले जाओ, क्योंकि AC का टिकट मिलता है, आराम से जाओ, आराम। हाँ वहाँ पे रहने का भी रेलवे वाला देता है, लेकिन हमेशा मन नहीं करता वहाँ जाने का, तो वो चले जाते हैं तो 10-15 दिन का जो था एकाएक बन जाता पैसा, तो तब फायदा होता है, लेकिन वो हमेशा चीज नहीं है। ठीक है, जॉब के लिए अच्छा है, जिसके बिजनेस के लिए, जिसका पिताजी बिजनेस में, उसके लिए बेस्ट है बिजनेस। हाँ, जिसके पास कुछ नहीं, मेरे जैसा, यहाँ पे डिफरेंशिएट नहीं कीजिए बिजनेस और इसको, इसको कट कर, क्योंकि जो सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहा है वो बस दिमाग में लगा सकता है कि बिजनेस करेंगे, वो करेगा नहीं, कर नहीं पाएगा, क्योंकि फैमिली उसको उतना सपोर्ट करेगा नहीं, और जिसके अंदर वो जिज्ञासा होगा वो कर चुका होगा, ठीक ना? ऐसे भी मैक्सिमम जो रेलवे में आता है ना, गरीब फैमिली से रहता है, सरकारी नौकरी में बस बैंक में PO का पोस्ट छोड़ दीजिए, और CGL का जो एक तैयारी करता है उसमें कुछ लोग होते हैं ठीक ठाक परिवार से, और फिर जो PSB PSC वाला ठीक ठाक परिवार का होता है, नहीं तो जो भी Type C जो Group C लेवल का पोस्ट होता है ना, Level 5 तक, Level 6 तक का जो पोस्ट होता है, वो एक एवरेज बच्चा ही करता है, एवरेज फैमिली रहता है। तो खैर कैसा लगा आपको ये सुन के, मोटिवेशन हो गया होगा? बहुत अच्छा लगा, भविष्य में हम जो है 4 लाख रुपए कम तक जा सकते हैं, क्योंकि हम मैक्सिमम जाएंगे 2 लाख जाएंगे, ई जाएंगे 4-5 लाख, ऐसा हमेशा 2.5 गुना अधिक रहेगा इनका। खैर अभी तो आप उधर से फॉर्म भरिएगा NTPC का, उधर से भरेंगे, तैयारी तैयारी उसी तरह चल रहा है जैसे पहले था, तैयारी हो नहीं पाता, ये बात है जॉब में, जॉब के साथ साथ तैयारी मुश्किल है। लंबा हो जाएगा ये वीडियो, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।